हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए के व्लॉग। गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक ही हूँ। सो भाई, आज की एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो ना पर्सनली कह रहा हूँ भाई, इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाई साहब एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ, क्रेटा पेट्रोल लें या डीजल, इस चीज़ पर बहुत बार बहस हो चुकी है, तो एक और बार करते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं भाई, बहुत से लोग उल्टी सी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आज मैं उन लोगों को भी जवाब दे देता हूँ भाई, कि मतलब कुछ भी आ रहा है मन में वही बोले जा रहे हैं। भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई कितने लोगों ने तो मेरे को बोल भी दिया, भाई आपने बिल्कुल सच इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत प्यारी दी है आपने, बिल्कुल सही बताया, और कितने लोगों को मिर्ची भी लग जाती है, भाई क्या बता रहा है ये। तो ठीक है भाई, उसी चीज़ों पे मैं आज बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा दूँ भाई, अभी मैंने कैसे रख रखी दोनों ही गाड़ियों को। ये अपनी न्यू क्रेटा 2024 डीजल SX टैग मॉडल, और अपना वो क्रेटा देख सकते हो पेट्रोल में, ये मेरी क्रेटा, ये देख लो। पहले इसी से शुरुआत करते हैं, इसको मिल लो भाई, कैसी लग रही है अपनी गाड़ी देखो। बिल्कुल मैंने इसको चिकनी चमेली बना के रख रखी है, एकदम साफ़ सुथरी, कहीं भी गंदगी नहीं रखता हूँ मैं इस पर। ये देख लो भाई, साइड से दिखाता हूँ, देखो साइड से भी कितनी खूबसूरत लगती है देखने के अंदर। लगता नहीं भाई क्रेटा पुरानी है ये, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसी का ही फेसलिफ्ट आया हुआ है। देखो ज़रा कैसी रख रखी है इसको मैंने, ऊपर से सनरूफ वनरूफ भी देख लो अपना, बिल्कुल अभी अभी धोके ही लाया हूँ मैं इसको, बिल्कुल क्लीन रखता हूँ मैं गाड़ी दोनों को ही। अब इससे मिल लो अपनी डीजल वाली से, SX टैग डीजल है ये भाई अपना, कितनी खूबसूरत ही लगती भाई ये क्रेटा फेसलिफ्ट है। इसके बाद ये है, देख लो भाई, इसको भी मैंने बिल्कुल चमका के रखा। अभी क्या थोड़ा इधर गाँव वाँव के रास्ते में आए, देखो यार थोड़ा सा गंदी हो गई गाड़ी, कोई ना बिल्कुल साफ़ कर देंगे इसको। तो पहले मैं अपनी गाड़ियों से आपको मिलवा रहा था भाई, मिल लिए। चलो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, ये चीज़ मैं आपको सीधा सीधा ही बताऊंगा, कोई डिटेल विटेल में नहीं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई कमेंट की बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे एक दो भाई के कमेंट। भाई यूँ कह रहे हैं कि भाई तुम थके हुए लग रहे हो, तुमसे ना गाड़ी का वो नहीं उठाया जा रहा, वो क्या बोलते हैं बोनट, ये भी नहीं उठाया जा रहा भाई, और तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। भाई क्या है, आपको अगर पेट्रोल लेना है तो ले लो ना भाई, मेरी बहस क्यों कर रहे हो भाई। कितने लोगों ने तो मेरे को कमेंट करके बता दिया कि भाई बिल्कुल सही बताइए आपने इन्फॉर्मेशन, कि भाई पेट्रोल नहीं लेना चाहिए बल्कि डीजल लो, क्योंकि भाई पेट्रोल में कुछ नहीं रखा भाई, 115 PS की पावर है इसके अंदर। अब मैं खुला खुले बताऊंगा, कोई डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, सीधा सीधे बताऊंगा क्या क्या दोनों में कंपैरिजन होता है। माइलेज के मामले में सबसे बढ़िया यही है, आपको ये सिटी में 16-17 का एवरेज देगी, वो आपको 11-12 का एवरेज देगी। सिटी में AC चला के चलाओगे ना, खूब पिएगी भाई, ये मैं जानता हूँ भाई मैं कैसे एवरेज निकालता हूँ इसके अंदर पर। लेकिन भाई किसी भाई का एक और कमेंट आया था, बोला भाई तेरी सोच ही ऐसी है कि कांच खोल के चलाना। भाई एक तो मैं बता रहा हूँ भाई, मेरी सोच तो क्या बताऊँ मैं उस भाई के, भी कह रहा हूँ मैं भाई देख, मेरी सोच है ना बहुत ऊपर तक की, भाई देख मैं दोनों को ही चला रहा हूँ भाई, ये अपनी पेट्रोल को भी संभाल रहा हूँ, अपनी डीजल को भी संभाल रहा हूँ भाई। मैं तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही वाली, और आप उल्टा होकर भाई मेरे से ही लड़ रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि डीजल मैंने आप मतलब डीजल गाड़ी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ले लो, अगर नहीं लेनी तो आप पेट्रोल लो ना भाई, क्यों देखते हो फिर वीडियो। तो भाई मैं उन्हीं को कह रहा हूँ ये, जिन्होंने भाई ये कमेंट किया था मेरे को। तो भाई कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करो, क्या बोल क्या रहे हो, गलत है यार भाई ऐसे कमेंट करना। एक तो मैं सही बता रहा हूँ, ऊपर से आज की तारीख में ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देने वाला आपको, चाहे कोई सा भी यूट्यूबर हो, सब फेंक देंगे लंबी लंबी, भाई पेट्रोल ले लेना, रनिंग कम है ले लेना, अरे कुछ नहीं रखा है पेट्रोल में भाई। 115 PS की पावर आती है इसके अंदर, और 144 Nm का टॉर्क जो कहीं नहीं हटता, इतना घटिया है ना। अभी क्लच आप हल्का से ही मतलब क्लच से सोचोगे भाई, क्लच से गाड़ी उड़ जाए बंद हो जाएगी भाई, और अपनी ये डीजल है भाई, इसमें आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से चलती है भाई। 250 Nm का टॉर्क है इसमें, और 116 PS की इसकी पावर है। ये मेरा डीजल बहुत पसंद है मुझे, लाजवाब है भाई, नेक्स्ट लेवल है डीजल। और भाई वो भाई कह भी रहता है कि ना यार ये डीजल है ना टेम्पू जैसी आवाज़ करता है, तो शायद उसने टेम्पू ही चलाया होगा इसलिए उसको ऐसा लगता है। भाई देखो भाई, हुंडई के अंदर जाकर डीजल गाड़ी चला लेना भाई, उन लोगों की आज तक मुझे इसमें आवाज़ नहीं, अभी अभी मैं इसको चालू करके लाया हूँ, मैं कब से बंद पड़ी थी, मैं चला ही नहीं रहा हूँ बोल, बल्कि भाई मैं उसको चला रहा हूँ पेट्रोल को, डीजल बहुत कम चलाता हूँ मैं ये, बल्कि अंदर खड़ी हुई थी अभी चालू करके लाया, मुझे इसकी आवाज़ ही नहीं आई सुने में, मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है ऐसे पेट्रोल ही बन गई खड़े खड़े। तो भाई कमेंट करो तो यार, सोच समझ के करो यार, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना जो आपको मन से बोल रहा हूँ। आज की तारीख में कोई नहीं बताने वाला कि आपको क्या लेनी चाहिए, पैसे बर्बाद आपके जाते हैं। पेट्रोल गाड़ी को अगर आप बेचने जाओगे ना, इतनी बुरी रेट करेंगे। आज की तारीख में अगर आपका क्रेटा पेट्रोल है तो उसको सेल करने की ज़रा पूछो किसी से, भाई आपको कैसे बोलेगा भाई पेट्रोल गाड़ी कोई नहीं लेता, घटिया है पेट्रोल, कोई एवरेज एवरेज नहीं, कोई भी नहीं लेता पेट्रोल गाड़ी, बहुत कम रेट आपको इसकी मिलेगी कि बेच ही नहीं पाओगे और बर्बाद हो जाओगे भाई, कितना नुकसान होगा आपको। वही डीजल अगर आप बेचोगे तो यूँ बोलेंगे भाई वह ठीक है कोई बात नहीं, 1-1.5 लाख रुपये थोड़े कम हो जाएंगे, बाकी डीजल आपकी उसी रेट में जाएगी, चाहे इतना इसको रगड़ लो भाई, डीजल डीजल है और पेट्रोल पेट्रोल है। हाँ भाई मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ
कि कभी जिंदगी में पेट्रोल लो ही मत। पेट्रोल उनके लिए बनाए जो घूमने जाते ही नहीं, बेचारों को सिर्फ गाड़ी रखनी है घर के अंदर, तो उन लोगों के लिए बनाए पेट्रोल। और बहुत से बहुत वो दिन भर में चला लेते हैं, 20 किलोमीटर चला लेते हैं, बस ये उन्हीं के लिए बनाए पेट्रोल। बाकी 50 से 60 या 70 किलोमीटर घूमने वाले लोगों के लिए अपना ये डीजल बनाए। ये भाई बहुत प्यारा इंजन है, मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो भाई देखो, मैं आपको दोनों के इंजन दिखाता हूँ। ये अपना 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, 116 पीएस की पावर बनाता है और 250 एनएम का टॉर्क है। और देखो भाई कितना प्यारा है, मतलब इन हुंडई वालों ने जिस तरीके से इसमें एडजस्ट किया ना, बहुत प्यारा है भाई। ये देख लो अपना सीआईडी है, उसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, चलता है पेट्रोल ही है। एंड ये अपना पेट्रोल इंजन, ये देख लो भाई कितना सूखा सूखा सा लगता है देखने में, इतना सा कवर दे रखा है। ये इसका पेट्रोल इंजन है क्रेटा का, और बाकी इसका डीजल। ये मैं सोचना पुरानी गाड़ी है तो सेम हो भाई, बिल्कुल इंजन सेम है दोनों का, ठीक है। ये देख लो भाई, ये साथ है अपना पेट्रोल इंजन और अपना डीजल इंजन। गाइस एक तो मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूँ, ऊपर आप उल्टा मेरे पीछे पड़ जाओगे भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो ये। वही भाई मेरे पीछे मत पड़ो भाई, मैंने तो देखो दोनों गाड़ी ले रखी, मैं तो बस आप लोगों को बताने के लिए तो मैं दो गाड़ी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, कि आपका पैसा वेस्ट नहीं हो यार। सेल्समैन तो घुमा दे, कोई सी भाई का कमेंट आया था सेल्समैन कैसे घुमाएगा भाई दोनों में उसको प्रॉफिट, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं अच्छे से जानता हूँ सेल्समैन को, और मैंने कितनों से पूछा भी, यूँ बोलते हैं कि ना भाई पेट्रोल गाड़ी बेचूंगा ना तो मेरे को अच्छे से मतलब पैसे मिलेंगे ज़्यादा, उस पर सेठ कहते हैं कि भाई पेट्रोल बेचो डीजल मत बेचो। तो भाई सेल्समैन ने, मैंने इससे पूरी क्लियरली बात करता हूँ भाई, खुला खुला बोलता हूँ मैं तो सीधा ही, तो सेल्समैन ने मेरे को सीधा यही बताया, देखो भैया कोने में ले आके समझाया, भाई देखो मैं आपको समझाता हूँ, पेट्रोल गाड़ी आती है 15 से 20 आ जाती है, ठीक है, स्टॉक में आती है, और डीजल गाड़ी सिर्फ 4 आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, डीजल गाड़ी को इतनी आसानी से नहीं देते, कभी इस पर कुछ जोड़ देंगे, कभी वो जोड़ देंगे, कभी एक्सेसरीज दे देंगे, इन्हीं में कमाई है भाई, डीजल गाड़ी पर कमाई है उन लोगों की, पेट्रोल वेट्रोल पर कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने पूरी फिक्स पूछ ली भाई, सब चीज़ मैंने कर रखी पहले, इसलिए तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, किसी भी चैनल पे जाके देख लेना, कोई नहीं बताने वाला। और एक और चीज़ बताऊँ, एक भाई बहुत कंफ्यूज हो रहे थे मेरे को कमेंट करके, कह रहे थे भाई प्लीज़ मुझे बताओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अपने 2023 की बात है, उनको क्रेटा लेनी थी डीजल में, कह रहे थे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने फ़ोन नंबर उनको दिए, वीडियो कॉलिंग करके मैंने उनको गाड़ी क्रेटा डीजल ही दिलवाई, पेट्रोल बिल्कुल मना करा उनको मैंने, पेट्रोल तो मत लेना डीजल ही दिलवाई मैंने उनको क्रेटा, उनको इतना मज़ा आ रहा सिल्वर कलर का, मैंने उनको SX डीजल दिलवाया था, मैंने इतनी हेल्प करी भाई। आज के तारीख में कोई भी यूट्यूबर इतना कुछ नहीं करता भाई, वो तो बल्कि फेंक देंगे कंपनी के साथ, आप तो पेट्रोल ले आना, ऐसा कुछ नहीं भाई, खुला खुला आप लोगों को बता रहा हूँ, डीजल इंजन लोगे ना बहुत ही मज़ा आएगा, AC चला के आराम से घूमोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस गाड़ी के अंदर। 21 के टेम्परेचर पर इसमें सेट करके आप आराम से ठंडी ठंडी हवाओं महसूस करो भाई, इसमें आराम से घूमो भाई। एंड अपना ये पेट्रोल के अंदर AC चला के 5 मिनट बैठ जाओ, किलोमीटर ऐसे काटेगी कि अभी आप मेरी बात सुनो, समझ में आपको ऐसे नहीं आ रहा ना, जाना हुंडई में, वहाँ जाके किसी की पेट्रोल गाड़ी होगी उसको चला के देख लेना, और अपना ये डीजल होगा उसको चला, दोनों में से माइलेज निकाल लेना कि किस में ज़्यादा मिलेगा, वो डीजल ही देगा। हाईवे पे 25 तक की एवरेज निकाली है इसमें मैंने, और ये हाईवे। और हाँ एक और बात जवाब दूँ आप लोगों को, कि भाई वो भाई फेंकते हैं लंबी लंबी, अरे और मेरी गाड़ी है ना ये हाईवे पे ना मेरे को एवरेज दे रही है पेट्रोल 19 का। अब मैं बताऊँ कैसे दे रही है 19 का पेट्रोल, मतलब 19 का माइलेज कैसे दे रही है, मैं सब जानता हूँ भाई, मेरे पास क्रेटा पेट्रोल है, 4 साल से चला रहा हूँ उसको मैं, मेरे को मालूम है वो कैसे देती है। क्या कर रहे होंगे 100 की स्पीड के नीचे चला रहे होंगे, क्रूज पर डाल रहे, अरे भाई क्रूज पर डाल रहे चलाना तो ऐसा लगता है ऐसा कोई मजबूरी में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी चीज़ भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अपना ये डीजल कैसे भी चला लो, खींच के भी चला लो, तब भी झग मार के आपको वो एवरेज देगा ही देगा, इसलिए बोलता हूँ भाई डीजल लो। और भाई मेंटेनेंस की बात कहते हो यार बात बात पे कि ना मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, 1.5 लाख महंगी आती, तो भाई सुख भी तो वही दे रही है, 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा, 5-6 लाख का तो मैंने पेट्रोल ही डाल दिया इसके अंदर यार, इतना महंगा आता है पेट्रोल। रेंज आप उसकी देखोगे ना, अभी इसमें भरवाओगे आप पेट्रोल पूरा 6000 रुपये का आएगा इसके अंदर, और रेंज आपको इतनी घटिया 700 की दिखाएगा, वही डीजल में डालोगे तो इसमें 1000 की रेंज आती है, और चलती 1300-1200 किलोमीटर चलती है इतनी आराम से भाई, और वो भी कम आता है भाई, डीजल की रेट कम है और पेट्रोल की ज़्यादा है, अभी भी देख सकते हो भाई आप। तो भाई देखो मेरा कहना यही है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, देखो उमस में भाई बहुत गर्मी लगती है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना, तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और भाई मेरी क्या सांस फूल जाती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपकी तबीयत ख़राब है, पहले खुद तो देख लो खुद को, मेरे पे मत जाओ भाई, अपनी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो। तो भाई देखो मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई बिल्कुल सच्ची बना रहा हूँ भाई, जो मेरे को पता भाई, आज जब मैंने बस वो पेट्रोल क्रेटा थी तब मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी यार, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, चला ही नहीं पाता हूँ इसको, जरा सा भरवाऊँ 2000 का भरवाया इधर सिटी में घुपा खत्म, सिर्फ हाईवे पे ठीक ही लगती मेरे को गाड़ी, बाकी सिटी वीटी में तो इतना पीती है ना कि मन करता है कि क्या करूँ यार, बेचने भी के लिए भी जाता हूँ ना, जिसको कोई नहीं लेता भाई, इसको सब मना करते हैं भाई क्रेटा पेट्रोल है बेचता, अभी
16 लाख रुपए की लाया था और ना रेट इसकी, लोग सीधा मुझे कहते हैं 8-7 लाख रुपए में जाएगी। इतना चीड़ आती है ना मुझे सुन के, मतलब मेरा क्या पैसा फ्री का था, इतनी बड़ी गाड़ी और मैं इतनी केयर करके रखता हूँ और ऐसी बेच दूंगा क्या यार, इस चीज़ में मेरे को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैंने डीजल ली भाई क्रेटा, ताकि मैं आराम से घूमूँ इसमें। और भाई मैं घूम ही रहा हूँ अभी तक तो। देखो भाई बहुत से लोग कहते ना कि वो मेंटेनेंस उसका ज़्यादा आता है, भाई देखो 400-500 रुपये ही तो ज़्यादा आते हैं सर्विस के यार। अगर वो 1500 रुपये की हो रही है तो ये अपनी 2000 की हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा? आप कार भी तो ले रहे हो, आपको एक नॉर्मल इंसान थोड़ी ना जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर यार, ये थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब फेंकने की बातें भाई। अभी सर्विस करवाई थी मैंने इसमें, कुछ भी नहीं होता। अब इसका ऑयल वॉल चेंज होगा ना, तब मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आपको उससे पता पड़ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं भाई, इसमें भी मेरे को 3000 रुपये लगाने पड़े, उसमें 4 लगा दूंगा, मेरे कहाँ रहेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सुख भी अपन को डीजल ही देता है। तो भाई यही थी मेरी वीडियो, आपको सब कुछ मैंने क्लियर बताई दिया, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया हो। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बेचारे 2024 में गलती कर रहे हैं, क्रेटा पेट्रोल ले लेके आए जा रहे हैं और भाई सोच रहे हैं भाई मेरे सामने, आप मानोगे नहीं, ये कसम से, मैं जिससे ये गाड़ी लेके आया ना SX टेक डीजल, उसने क्रेटा बेची है 1.4 टर्बो वाली और 1.5 टर्बो N9, तो उसने क्या करा, मेरे सामने फ़ोन आया उसको, भैया ये एवरेज नहीं दे रही। और मैं हंस रहा था उधर में करके यार, मैंने कहा कैसे उसने बुद्धू बना के उसको पेट्रोल बेच दी। सो प्लीज़ पेट्रोल गाड़ी लेने से बचिए, पेट्रोल गाड़ी सिर्फ वो ही लोग लें जो 220 से 230 किलोमीटर चला लेते हैं, और अगर 50 से 60 या 70 चला लेते हो तो डीजल ही लो। लेकिन मेरा कहना मानना तो यही है भाई, पेट्रोल पे लगा दो क्रॉस और अपना डीजल ही लो भाई। मैं तो भाई देखो रनिंग भी नहीं, अभी दिखाता हूँ कितनी सी चलाई है मैंने इसको, फिर भी देखो भाई डीजल लेके आया हूँ मैं गाड़ी। आपको लग रहा होगा भाई फेंक रहा है, मैं तो बल्कि आपके सुख के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको बेचोगे भी ना वो भी आपको रिसेलिंग वैल्यू भी इसकी अच्छी मिलेगी। इसलिए ये देख लो भाई 1637 किलोमीटर ही चली हुई है। कहाँ चली है भाई गाड़ी, बहुत ही कम चलाता हूँ उसको मैं बल्कि, और अभी चला देखो, अभी मैं उसमें पेट्रोल डलवा के उसी में घूम रहा था पेट्रोल गाड़ी में। इसको मैं कम चलाता हूँ, नहीं है ना, मन नहीं करता इसको चलाने का, उसी को चलाता हूँ भाई मैं। बाकी डीजल का मज़ा अलग ही, आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। और गाइस वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में मेरे को बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन। और गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।